टाटा ग्रुप 6 दशक से एरोस्पेस सेक्टर की दिशा में काम कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एरोस्पेस सेक्टर रक्षा कार्यक्रमों में काम कर रही है। भारत की सबसे नई और आधुनिक आर्टिलरी गन का डिजाइन और निर्माण टाटा ने किया। इंडियन आर्मी के लिए कॉम्बैट लैंड सिस्टम्स का डिजाइन और निर्माण। नई तकनीकों के लिए यूएवी का डिजाइन और साथ ही नई पीढ़ी के लोइटरिंग मिसाइलों का डिजाइन भी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने किया। टाटा ने नई जेट एयरक्राफ्ट की तकनीक में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए हैं। नई तकनीक को खरीदा भी गया है। और साथ ही रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टाटा ने एरोस्पेस प्रोडक्शन का ट्रांसफर किया है। ২০১৪ के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। भारत सरकार की नई नीतियों से प्रेरणा लेकर टाटा ने अब एक नया कदम उठाया है, जिसमें सैन्य विमान को पूरी तरह भारत में बनाया जाएगा। इस परियोजना में एयरबस के पहले C295 का उत्पादन स्पेन के बाहर होगा। एयरबस के साथ साझेदारी करना टाटा के लिए गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना के अनुबंध के तहत टाटा 50 में से 40 विमान वडोदरा में बनाएगी। इस परियोजना से 10,000 कुशल रोजगार उत्पन्न होगा। सौ से अधिक लघु और मध्यम इकाइयां इस परियोजना का समर्थन करेंगी। इस प्रकार से हमारे भारत के एरोस्पेस के इकोसिस्टम की क्षमता और सामर्थ्य में बढ़ोतरी होगी।